हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के बीच में रिलेशन पता चलेगा। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इन क्लास 11 यूनिट 8 वी हैड स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल। आप लोगों ने 11th में 8th यूनिट में डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था। दिस सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। ये सेल क्या करता था, केमिकल एनर्जी जो कि रिडॉक्स रिएक्शन होने से निकलती थी। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या था यहाँ पे, कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे जिंक है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो कॉपर के आयंस थे वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था डैनियल सेल, एंड हैज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस एंड कॉपर आयंस इज यूनिटी। और जब दोनों आयंस जिंक और कॉपर की 1 हो जाती थी कंसंट्रेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 का क्रिएट होता था। सच अ डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। ऐसे डिवाइस को हम लोग गैल्वेनिक या फिर एक वोल्टिक सेल कहते हैं। इफ एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड टू गैल्वेनिक सेल। अगर हम लोग इस गैल्वेनिक सेल में एक बाहर से लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जैसा कि फिगर 3.2 में दिखाया हुआ है, फिगर 3.2 ए, ये वाला फिगर, तो उससे क्या होगा, एंड इंक्रीज्ड स्लोली, और धीरे धीरे हम लोग उस पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहें, वी फाइंड दैट, हमें पता चलेगा, रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस अंटिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट। रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि अपोजिंग वोल्टेज 1.1 वोल्ट ना हो जाए। यानी कि 1.1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने क्रिएट किया और 1.1 तक हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही हमारे द्वारा दिया गया पोटेंशियल 1.1 हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स अल्टुगेदर एंड नो करंट फ्लोस थ्रू द सेल। रिएक्शन साथ ही स्टॉप कर जाती है और कोई भी करंट सेल से पास नहीं होगा। एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट्स द रिएक्शन बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम लोग और ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि 1.1 से भी ज़्यादा, तो दोबारा से रिएक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन अब डायरेक्शन की जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। यानी कि पहले क्या हो रहा था, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और कॉपर के आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे थे। ऑपोजिट का मतलब क्या है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देगा। इट नाउ फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और ये वो डिवाइस की तरह काम करेगा जिसमें केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है ऐसी रिएक्शन को करने में
जो कि नेचर वाइज नॉन स्पेंटेनियस, मतलब जो अक्कर नहीं हो सकती, लेकिन जब हम लोग उनको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो फिर वो अक्कर होना शुरू हो जाती हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, और ऐसे सेल्स को वी कॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, दोनों ही टाइप के सेल इम्पोर्टेंट हैं, एंड वी शैल स्टडी सम ऑफ देयर सेलाइन फीचर्स इन द फॉलोइंग पेजेस। और हम लोग इनकी कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेजेस में। ये डायग्राम है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से कम रखा, फिगर बी में एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 के इक्वल हो गया है और करंट की वैल्यू 0 हो गई है, रिएक्शन होनी बंद हो गई। जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 से बड़ी हुई तो रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी आप देखोगे कि हुआ क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने पहली बार देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, डैनियल सेल था स्टार्टिंग में हमारे पास, तो गैल्वेनिक सेल्स पहले, उसके बारे में पढ़ेंगे। एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले बताया गया है, अब गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गैल्वेनिक, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन दिस डिवाइस द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क विच मे बी यूज फॉर रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर्स एक्सेट्रा। इस डिवाइस में जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की गिब्स एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे एक मोटर को रन करने के लिए या फिर दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर वगैरह को चलाने के लिए यूज किया जाता है। डैनियल सेल डिस्कस्ड अर्लियर इज वन सच सेल इन विच द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स। डैनियल सेल जो कि पहले डिस्कस किया गया है, ऐसा एक सेल है लेकिन इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो आपको बताई जा रही है। जिंक प्लस कॉपर आयंस, एरो जिंक आयन प्लस कॉपर। दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस हुज एडिशन गिव्स द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो हाफ रिएक्शंस हैं जो आपस में ऐड होके कंप्लीट सेल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कॉपर के आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन क्यों बोला है, क्योंकि कॉपर के आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। सेकेंड रिएक्शन में जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तब उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दीज रिएक्शंस अकर इन टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डैनियल सेल। ये जो रिएक्शन हो रही है ये डैनियल सेल के दो अलग अलग हिस्सों में हो रही है, आप देख सकते हो डायग्राम से भी, ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन। तो हाफ में रिडक्शन हो रहा है और हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है। द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अक्कर्स ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड वाइल द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अक्कर्स ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसीलिए ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन उधर हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसीलिए वहां पर रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन हो रही है। दीज टू पोर्शन ऑफ दिस सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल्स और द रिडॉक्स कपल्स। इन दो पोर्शन को हाफ सेल के नाम से भी जाना जाता है या फिर इनको रिडॉक्स कपल्स भी कहते हैं।
कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल। कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को हाफ रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड वाले को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट इनमेरेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल्स ऑन द पैटर्न ऑफ डैनियल सेल बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाफ सेल्स। तो अलग अलग हाफ सेल के कॉम्बिनेशन लेके हम लोग डैनियल सेल के पैटर्न पे बहुत सारे गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल एक कैटेगरी है और डैनियल सेल उसका वन ऑफ द टाइप है। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। हर हाफ सेल में एक मेटल की इलेक्ट्रोड होगी जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होती है। द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू अ वोल्ट मीटर। दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मेटल वायर चाहिए जो वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट हो, या वोल्ट मीटर के थ्रू एक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड स्विच एक्सटर्नली, और एक स्विच का यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। जो दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोलाइट है उनको कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। ये जो आपको यू शेप का इन्वर्टेड ग्रेश डायग्राम दिख रहा है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करने के काम आता है। समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज। कई बार दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और ऐसे केसेस में सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज ने तो इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करना है और वहां पे तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, तो वो अपने आप में ही कनेक्ट होता है। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। हर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पर देर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज। हर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे मेटल की एक टेंडेंसी होती है, मेटल आयंस की, कि वो सोल्यूशन से मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो सके और उसको पॉजिटिव चार्ज बना दे, क्योंकि मेटल के जो आयंस होंगे पॉजिटिव होंगे और वो अगर इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन एज आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज। उसी समय इलेक्ट्रोड से मेटल के एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूशन में चले जाएं आयंस बनके, और पीछे इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और जिससे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट में मेटल के आयंस हैं, वो तो मेटल इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मेटल के एटम्स हैं वो आयंस की फॉर्म में उसको छोड़ देंगे और उसको नेगेटिव चार्ज बनाना चाहते हैं। एट इक्विलिब्रियम देर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ द टू अपोजिट रिएक्शन द इलेक्ट्रोड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा और दो ऑपोजिट रिएक्शन की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। मतलब जो सी प्रोसेस जीत जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोड पे चार्ज आ जाएगा। अ पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज
इन्वॉल्व्ड इन अ हाफ सेल इज यूनिटी। अगर हाफ सेल में जितने भी स्पीसीज हैं सबकी कंसंट्रेशन वन हो, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, यूनिटी यानी कि वन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को ही अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इन अ गैल्वेनिक सेल हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे एनोड कहते हैं। एंड इट हैज़ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। और इसके पास सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है। द अदर हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, और दूसरा हाफ सेल जिसमें रिडक्शन होता है इज कॉल्ड कैथोड, उसे कैथोड कहते हैं। एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। दस देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। एंड एज सून एज द स्विच इज ऑन पोजिशन द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और हमें पता है करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।